I'd like to request Sri Raja Waring, Sir MLA and former IYC President, to please come on the stage and please address the audience. Sri Raja Ji with us. राजीव जी की 75वीं जन्म जयंती पर मेरे सामने श्रीमती सोनिया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के कोने कोने से आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और साथीगण, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके किए हुए कामों को याद करने के लिए आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। राजीव जी एक सोच थे, राजीव जी एक विचार थे। सोच और विचार कभी मरते नहीं, वो हम में हैं, वो आप में हैं, वो हम सब में। साथियों, राजीव जी अक्सर कहा करते थे, भारत एक प्राचीन देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं युवा हूं, मेरा भी सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत देश दुनिया का प्रथम, दुनिया के प्रथम नंबर पर मेरा भारत देश आए। ये राजीव जी की कल्पना थी, इच्छा थी, और उन्होंने इस देश को प्रथम नंबर लाने पर, दुनिया में प्रथम नंबर लाने पर बहुत से ऐसे कार्य और काम किए। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उनको गिनवाऊं। बेशक मेरे से बोलने से पहले वक्ता ने तमाम वो बातें कही, पंचायती राज की बात कही, चाहे डिजिटल इंडिया की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे पोलियो ड्राइव की बात करें। अगर देश में आज पोलियो नहीं है तो वो राजीव जी की देन है, उसका असर होते होते कई साल लग गए। बेशक नवोदय विद्यालय की बात करें, और बेशक 18 साल की उम्र में जो वोट डालने का अधिकार हमें राजीव गांधी जी ने दिया, क्या कोई कल्पना कर सकता था? ये तभी संभव हुआ कि हमें एक नौजवान युवा देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मिले। इसलिए आज मैं कहता हूं कि वो आज भी जिंदा हैं, और दुनिया चले जाएगी, हम चले जाएंगे, लेकिन राजीव जी हमेशा इस देश में जिंदा रहेंगे और लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। दोस्तों, राजीव जी ना केवल खूबसूरत इंसान थे, राजीव जी ना केवल खूबसूरत इंसान थे, खूबसूरत इंसान का दिल भी उतना खूबसूरत था। मैं दोहराना चाहता हूं, बेशक उनके समय में कई अकॉर्ड हुए, मेरा नाता पंजाब की धरती से, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, और आज मैं ये बात दोहराना चाहता हूं, मेरी उम्र केवल 40 साल की है। कई बार हम गांव में जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों से मिलने का अवसर मिलता है जिनकी उम्र 80 साल 85 साल की है, जिनका नाता हमारी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वो हमारे विरोध में खड़ा रहते हैं। और मेरे को उन्होंने ये भी कहा कि हमने कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन जब गांव में जाता हूं, वो बुजुर्ग जो कांग्रेस को किसने
जिसने वोट नहीं दिया वो मेरे को ये बात कहते हैं कि मैं राजीव गांधी का सम्मान करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्यों, तो उन्होंने कहा कि लौंगोवाल अकॉर्ड हुआ उनके जमाने में, पंजाब जल रहा था 1985 में, राजीव गांधी जी ने अपने साथियों को भेजा लौंगोवाल जी से बात करने के लिए, उनको मनाया। बेशक विरोधी पार्टी के थे लौंगोवाल साहब, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान थे, कई स्नेह भेजे और लौंगोवाल साहब आए और उन्होंने बातचीत शुरू की कि क्या हल हो सकता है, मैं पंजाब इस देश का अहम हिस्सा है, मैं चाहता हूं कि पंजाब के अंदर शांति आए, आप क्या चाहते हो, आपके लोग क्या चाहते हैं। तो लौंगोवाल साहब ने कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें जो हो सकता है कि संभव नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर उसका हो सकता है कि हमें आने वाले कल में नुकसान भुगतना पड़ता, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के प्रधान लौंगोवाल से लौंगोवाल अकॉर्ड पर साइन कर एक ऐसा स्नेह दिया कि मैं शांति चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि वहां पर अगर मेरी पार्टी कामयाब होगी तब, मैं चाहता हूं कि वहां पर शांति आए, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं शांति प्रिय हूं। शांति बंदूकों से नहीं मिलती, शांति किसी को घर में बंद करने से नहीं मिलती है, शांति किसी को हाउस अरेस्ट कर उसके बाहर 10 बंदूकधारी लगा दो तो नहीं मिलती है। शांति शांति सामने वाले के विचार सुनने से आ सकती है, सामने वाले का गुस्सा ठंडा करने से शांति आ सकती है, और वो थे राजीव गांधी जिन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय और फैसले लिए और इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मैं कहना चाहता हूं आज के जो हालात हैं इस देश के अंदर, बेशक मेरे जैसे व्यक्ति कभी बड़ी बड़ी मंच से बातें करते हैं, लेकिन उनके लिए कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि मैं ही अकेला वारिस हूं, मेरे बिना ये देश बच नहीं सकता, मेरे बिना ये देश चल नहीं सकता, अगर मैं हूं तो देश है, अगर मैं नहीं तो देश नहीं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, किसी ने खूब लिखा है, हर धड़कते पत्थर में दिल नहीं होता, हर धड़कते पत्थर में दिल नहीं होता, एक सदी लग जाती है दिल को बनाने के लिए, हर धड़कते पत्थर में दिल नहीं होता। साथियों, मैं आपसे आज इस मंच से गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे को पता है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत इम्तिहान है हमारा, आजादी के समय चंद लोग हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले को लगा लिया। मैं भगत सिंह की बात करूं, 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा अपने गले को लगाया, वो जीना चाहते थे, उनकी मां चाहती थी कि भगत सिंह की शादी हो, उनकी मां चाहती थी कि भगत सिंह के बच्चे हो, लेकिन हंसते हंसते 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा गले को लगाया और इस देश को आजाद कराने में उन्होंने अपना योगदान दिया, हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। आज जरूरत है, हमें इकट्ठा रहना होगा, अभी इम्तिहान की घड़ी है, बेशक सत्ता सरकार ने, मेरे जैसे कई लोगों ने सत्ता पर रहे होंगे, लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी है, अभी हमारे में जान है, हमें आपकी कांग्रेस पार्टी की आपको जरूरत है, इस देश को जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है। और मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूंगा, बेशक मेरे नेता जिनकी बदौलत मैं इस मंच से बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी मेरे से खफा हो जाएं, नाराज हो जाएं, मैं उनको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आपकी हमें जरूरत है, देश को जरूरत है, देश की कांग्रेस को जरूरत है, हम आपके लिए हर वक्त खड़े हैं, जहां आप खड़ा करेंगे, जहां
जहां जहां राहुल गांधी जी खड़ा करेंगे, मैं उन तमाम मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, हमने इन बुजुर्ग नेताओं से प्रेरणा ली है, ये इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया हमेशा, लेकिन मैं तमाम नौजवान साथियों के कहना चाहता हूं, अपना लालच छोड़कर, अपनी सत्ता की कोई कुर्सी छोड़कर आओ, ये समय देश को बचाने का है और हम सब मिलकर राहुल गांधी जी के साथ देंगे, हर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भैया आपका, आपकी इस इमोशनल अपील का। बहुत ब्लेस्ड है ये परिवार कि इस देश का प्यार उसे इतने इतने सालों, इतने दशकों तक मिला है।